नमस्कार, आप देख रहे हैं नैनावल न्यूज खबर बिजनौर से। अमर सिंह की हत्या का खुलासा, चार अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र के गांव राजपुर नवादा के पास अमर सिंह नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बिजनौर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने दो टीमों का गठन किया था। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक के बेटे व आरोपियों की मिलीभगत से 307 की घटना को अंजाम देकर किसी और पर आरोप लगाने की नीयत से इन्होंने गोली चलाई, जिससे गोली गलत जगह लग गई और अमर सिंह की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। चारों अभियुक्तों ने योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया। चार तारीख को लगभग 8:30 बजे मंडावली थाने के राजपुर नवादा गाँव के पास में अमर सिंह नाम का एक व्यक्ति छर्रे से घायल हुआ, डेड बॉडी मिली थी। पंचायत नामा जिनके पास से अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस तथा दो बाइकें बरामद की है। अपने ही खेत में फंसे चार अभियुक्तों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल चारों अभियुक्तों को पुलिस ने जेल भेज दिया। एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल पर लेकर के गया था, उसने अपने ससुराल वालों से जो बढ़ापुर थाने का था 307 IPC को होस्टाइल कराने के लिए और बदला लेने के लिए, यानी उसकी पत्नी राजेश नाम के व्यक्ति से ब्याही है, चली गई दो बच्चों के साथ में। ये पूरा घटनाक्रम किया। इसमें मृतक अमर सिंह की भी सहमति थी, उसका बेटा भोला सिंह भी 120B का मुलजिम है। कारण ये था कि ये शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो आर्थिक सहायता मिलता उसकी धनराशि का बंटवारा करते और नामजद FIR राजेश वगैरह उनके खिलाफ कायम कराते। लेकिन 307 करने की इनकी योजना थी, गलती से गोली ऐसी जगह लग गई कि 302 में चेंज हो गया और हत्या हो गई। पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया गया और चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, जो चारों अभियुक्त एक ही गांव के झलरी के रहने वाले हैं।